माझे गोरेगाव की ओर से मैं मिलिंद कापड़े आज इस भव्य रक्तदान शिविर में दीपक बाबर इन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और इस कार्यक्रम में मैं यहाँ पर आकर बहुत ही आनंद और उत्साह महसूस कर रहा हूँ। दीपक बाबर केवल ये रक्तदान शिविर तक सीमित नहीं है क्योंकि माझे गोरेगाँव के माध्यम से मुझे गोरेगाँव में जाने का अवसर प्राप्त होते रहता है, तो दीपक बाबर इनका जो ख्याति है या इनकी जो प्रसिद्धि है वो केवल इनके वार्ड तक सीमित नहीं है, ये मैं यहाँ पर आज उल्लेखनीय ये बात कहना चाहूँगा। ये पूरे गोरेगाँव में फेमस है और आने वाले दिनों में दीपक बाबर के जितने भी अनुयायी या RPI के जितने भी अनुयायी और माननीय RPI के जो नेता है आठवले साहब के जितने भी अनुयायी आज ये गोरेगाँव में एक ताकत के रूप में खड़े हैं। मैं आने वाले दिनों में दीपक बाबर जी को शुभेच्छा देना चाहूँगा और हम सभी को पता है कि आने वाला दिन ये इलेक्शंस का समय आने वाला है, तो दीपक बाबर जी को मैं निश्चित तौर पर शुभेच्छा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दीपक बाबर जी क्या कहना चाहते हो? मिलिंद कापड़े सर है, मेरे बड़े बंधु है, बचपन से स्कूल टाइम से मैं जब देख रहा हूँ उस टाइम से सोशल वर्किंग करते हैं। आज इनकी खुद की संस्था है, आज बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने लोगों की मदद की है। हर प्रोग्राम में मिलिंद जी को बुलाते हैं और मेरे इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाए मिलिंद जी ने, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी कुछ भी हमारा प्रॉब्लम रहता लोगों का, अगर हम भी हेल्प नहीं कर पाते तो मिलिंद कापड़े जी इस काम को आगे बढ़कर चढ़कर और काम को पूरा करने में हमारी मदद करते हर टाइम। जय भीम, जय महाराज। इवेंट करते हैं जिसमें सोशल मीनिंग हो, लोगों को हेल्प हो, स्पेशली ये ब्लड कैंप वगैरह जो कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी की तरफ से हमेशा सोशल वर्क में ही रहते हैं, विच इज़ व्हाट आई लव इट। और 150 अभी तक उन्होंने कंट्रीब्यूट कर चुके हैं बॉटल्स, और भी 4 बजे तक शुरू है, ही इज़ डूइंग इट मोर एंड मोर। आठवले सर का इनको सपोर्ट है, सीमा आठवले मैम ने पर्सनली मुझे बोला आप पर्सनली जाओगी वहाँ, उनको सपोर्ट करो, अपनी पार्टी की तरफ से जितना हो सके दीपक सर के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन में रहो, तो वी आर हियर टुगेदर फॉर इट। मैम आपके द्वारा काफ़ी ऐसा सोशल वर्क करा जाता है, क्या कहना चाहते हो? हम हमारी लक्ष्य क्या है RPI सबके लिए है, ऑल इंडिया इंटरनेशनली जो भी प्रॉब्लम्स में हो, चाहे वो कोई भी विंग्स में प्रॉब्लम्स में हो, हमारे सारे मास्टर्स हेड हैं यहाँ पर, एक एक अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, हम सब उनको हेल्प करने के लिए है, टू द सोसाइटी, फॉर द पीपल। वी फॉलो अंबेडकर सर, वी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट वन साइडेड, इट इज़ फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडियन। आपके भी द्वारा कई ऐसे अवार्ड शो रखे जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को भी सम्मान करते हैं, जैसे कि कोरोना योद्धा हो, जो जिन्होंने लोगों की मदद की हो, तो कितना ऐसा लगता है कि लोगों को पॉजिटिव एक उत्साह बढ़ाना हो, तो एक एप्रिसिएशन करना? एप्रिसिएशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट गिव्स बूस्टिंग, इट्स अ बूस्टर। हम बचपन से बोलते हैं ना, बच्चों को थोड़ा अच्छा बोला तो वेरी गुड, द मोमेंट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल दे डू इट मोर, तो हम इसीलिए ज़्यादा कर रहे हैं उनको, सो डैट दे गो अहेड मोर इन टू इट। अवार्ड्स देना, अप्रिशिएट करने से उनको हम एनकरेजमेंट दे रहे हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट, बट इट वॉज एज ईजीएस्ट एज वेल, बिकॉज हमने अपने माइंड को बहुत कूल रखा था, वी हैव सीन पीपल सफरिंग, तो डॉक्टरेट के साथ साइकोलॉजी काफ़ी करना पड़ा, इमोशनल बैलेंसिंग एक एक फैमिली के साथ डील करने में काफ़ी टाइम गया, इंक्लूडिंग माई फैमिली विच वॉज कोरोना अफेक्टेड, एंड वी नो हाउ इमोशनल इट वॉज। Now at this present situation, what message would you be giving to other people or to Mumbaikars ki abhi jo corona chal raha hai ab kis tarah se rehna chahiye, kya message? Mask saath mein hi rakhna chahiye, use bhi karna chahiye, for camera it is fine, sanitize karo, social distancing jitna kar sako kar sakte ho karo, ek dusre se khush raho, my main motto is like encourage each other, the more you can support karo, mentally imbalance ho chuke hai log, जॉब जा चुका है काफ़ियों का, घर में फैमिली जा चुकी है, रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ों में डिस्टर्बेंस इतना है, इकोनॉमिक बहुत डाउन हो चुका है काफ़ी लोगों का, थोड़ा दो पल हंस के बात करो, सपोर्ट करो जिनको आप कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू नाउ, अ न्यू इंडिया आफ्टर कोरोना, दैट्स व्हाट आई कैन से। एनीथिंग एल्स? एक डॉक्टर को कितना एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि अभी जो मौजूदा जो कोरोना का जो 2 साल जो बीता है उसमें अच्छे अच्छे लोग कोरोना की बीमारी से अपना कॉन्फिडेंस खो दिए थे, और आप लोग एक बीइंग अ कोरोना वॉरियर, आप लोग फ्रंट लाइन पर रह करके लोगों के इतने मदद किए बीच में, तो आप लोगों को किस तरह का कॉन्फिडेंस था?
कि आप लोगों को बीमारी का डर नहीं था कि कोरोना में हो जाएगा? नहीं नहीं, जिस दिन हम लोग स्टडीज स्टार्ट करते उसी दिन ये सब डर को पीछे ले लेते हैं, बिकॉज वी वर्क फॉर दी पीपल। तो ये सब सोच आई थिंक कोई भी डॉक्टर को नहीं आएगा, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो और एनी नेचुरोपैथ इंक्लूडिंग देम। सो आई डोंट थिंक एनी डॉक्टर नीड करेज, दे आर एक्चुअली बॉर्न विद करेज, दैट इज व्हाई दे हैव व्हाइट कोट एंड एप्रॉन विद देम। बहुत डिफिकल्ट होता है ये जो ब्लड कैंप ये कर रहे हैं, इट इज़ सो नेसेसरी कि कितने लोगों को ब्लड नहीं टाइम पे मिलने के कारण वो अपनी जान दे चुके हैं, लाइक दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ इट। ऑक्सीजन सिलेंडर एक हम लोग ने बहुत हाईलाइट किया, बट अगर आप देखा जाए तो ब्लड का भी बहुत बड़ा इश्यू था। तो इफ़ यू टॉक टू मी अबाउट कोरोना, इट इज़ रियली नीडेड। आप वॉक करो, ऑक्सीजन लो, ये सब हम तो बोलते ही है, बट ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने लोग हो सके ब्लड कैंप करिए, कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी बाई दिस। जय भीम। एक्चुअली ये जो दीपक बाबर जी हमारे बहुत प्यारे मित्र है, बहुत सालों से हमारा उनका रिश्ता है और वो बहुत तरीके से ये सोशल वर्क में एक्टिविटी में संलग्न है। इनकी एक संस्था भी है जो बहुत सालों से 20 साल यानी इनके पिताजी के साथ से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ वो जो उनकी संस्था है, वो उनकी सिद्धि संस्था है, तो उनके माध्यम से ये हमेशा ही ऐसे लोगों के लिए कार्य करते आ रहे हैं और हमको ऐसे हमारे दोस्त है इसके लिए हमको उनके ऊपर हमारा भी हमको भी बहुत गर्व है। और अभी उन्होंने जो कैंप रखा है तो हम भी आरपीआई की तरफ से, मैं भी वर्सा तालुका का उपाध्यक्ष हूँ, तो हम भी इधर आए हुए, आरपीआई के सारे लोग आए हुए हैं। तो ये जो है कि हमको भी ऐसा लग रहा है कि चलो इनके जो योगदान दें उनको भी हम लोग किसी तरीके से योगदान दें। तो ब्लड का जो डोनेशन है वो सबसे बड़ा डोनेशन है। आप पैसा दे सकते लेकिन ठीक है, लेकिन ब्लड आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ब्लड करने के लिए आपको ब्लड ही चाहिए और जो ब्लड जो है वो एक ऐसा है कि एक हम आपस में एक दूसरे को बांटते हैं, लेकिन आप ब्लड देखो तो उसका हर एक का कलर लाल है। ठीक है, उसका ए बी सी डी इस तरह का होता है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन आप ये ब्लड जो देना है ये सबसे बहुत मेरी तरफ से लगता है कि वो जीवन दान है, क्योंकि ये ब्लड नहीं होने से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। और ये कोविड का जो अभी ऐसा पीरियड चल रहा है कि यहाँ पे लोग बाहर आने के लिए डरते हैं, लोग जमा नहीं होते हैं, कभी जो हॉस्पिटल में तो जो बीमार तो वो तो कम नहीं हो रहे, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए जो ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसमें बहुत कमी आ रही है। तो हम ये माध्यम से हम भी थोड़ा सा जो कमी आ रही है उनको हम थोड़ा सा हाथ ना अपनी तरफ से हाथ बार लगाएंगे तो ये कमी थोड़ा सा पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने हमको इस तरह का मौका दिया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद हूँ, आपका भी धन्यवाद हूँ कि आप यहाँ पर आके आपने इसको कवर किया, धन्यवाद। हमारे मित्र दीपक बाबर जी मुंबई उपाध्यक्ष हैं उत्तर पश्चिम जिला से। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे गोरेगांव मतलब तालुका में यहाँ पे काफ़ी लोगों को तरह तरह की समस्या है, वो लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे बांगूर नगर में सबको मतलब चेकअप करवाना था, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। कोरोना काल के वजह में क्या हुआ था, बहुत से लोगों को अच्छा चेकअप कराया, मतलब लोगों को आर्थिक समस्याएं हुई थी, जिस वजह से क्या हुआ उन लोगों ने अपना हेल्थ का सब चेकअप नहीं करा पाया था, उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाई थी और लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम भी थी। इस वजह से दीपक जी ने हमें अप्रोच किया, तो हमने फिर पिंकी पाटिल मैडम हैं उनकी तुरु संस्कार सेवा संस्था और अपना अलका मैडम बोरीवली ब्लड बैंक सेंटर के थ्रू हम लोगों ने ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें जनरल हेल्थ चेकअप रखा हुआ है सारे लोगों के लिए और फिर इसमें डिजिटल ECG रखा गया था और फ्री आई चेकअप रखा गया हुआ है और भव्य अपना रक्तदान रखा गया हुआ है। प्रति लोगों का हम लोगों ने कवर किया हुआ है। यहाँ पे नियर अबाउट राइट नाउ 150 की पब्लिक आके ऑलरेडी जा चुकी है और भी लोग आ रहे हैं और हम इन फ्यूचर इस तरह का आगे भी करते रहेंगे। और हमारे यहाँ पे तरह तरह के ऑपरेशन जैसे कि कैटरेक ऑपरेशन हुआ, फिर अपना एंजियोप्लास्टी और आई ऑपरेशन, ये सब हमारा संस्कार सेवा संस्था के थ्रू हम फ्री में अरेंज करते हैं और यहाँ पे आए हुए बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया है और हम उन लोगों के लिए भी फ्री ऐसा अरेंज करके देंगे अपने संस्था के थ्रू। मैडम क्या कहना चाहते हो, आपकी संस्था और किस तरह का काम करती है? हमारी संस्था एकदम गरीब से गरीब एरिया में जाकर मेडिकल कैंप्स लेती है, उसमें जो भी पेशेंट निकलते हैं, जैसे आप अभी देखने जाएंगे तो बाईपास सर्जरी का प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खर्चा है, तो अपने संस्था के तरफ से टोटली फ्री एंजियोप्लास्टी, बाईपास वॉल, प्रेसमेकर, ये सर्जरी टोटली फ्री किया जाता है।
जैसे इसी एरिया में किसी को भी करना है तो दीपक भाई से कांटेक्ट करें तो हमें बताएंगे, हम उनको जो सलाह हमारे तरफ से हो सकते हैं वो हम देंगे। तो किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लगता है, आधार कार्ड लगता है? आधार कार्ड और राशन कार्ड, और नहीं होगा तो भी हम लोग एडजस्ट करके उनका करवा के देते हैं। हमारा यही ध्येय है कि लोगों को आरोग्य के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी स्कीम में कराते, राजीव गांधी में करते हैं, या जिनके पास राजीव गांधी का नहीं होता है तो हम लोग संस्था की तरफ से उनको हेल्प करते हैं। दीपक जी क्या कहना चाहते हो, मनोज जी और उनकी पूरी टीम, मैडम की टीम द्वारा किस तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन रखा गया और कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर लोगों का जमाव देख करके, हर कोई आकर के अपने अपनी सेवा लोगों ने दी है। मनोज जी हमारे खास मित्र हैं, इनको मैंने 10 दिन पहले फ़ोन किया था। यहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्या है, लॉकडाउन के बाद में लोग अपने हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत आ रहा था, तो इसके वजह से मनोज जी ने अपनी मैडम को, अलका मैडम हो गए, पिंकी मैडम हो गए, इनके थ्रू से मेरे को बोले कैंप लगा दे अपने यहाँ पे। तो आज हम लोग ने कैंप अपने माध्यम से लगाए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं सर से इजाज़त लेके फिर एक कैंप का आयोजन किया हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमको प्रतिसाद दिया है, और 12 से 4 का हमारा टाइमिंग था, तो अभी तक भी काफ़ी लोग आए, और 2 घंटा हम लोग का कैंप चलने वाला है। तो इसी तरीके से पिंकी मैडम, अलका मैडम ने हमको जो सपोर्ट किया है, ये आगे चल के हम लोग और भी ऐसे कैंप करते रहेंगे, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को खुशी देख के हम खुशी हो रही है। दीपक जी आपके द्वारा काफ़ी ऐसा सोशल वर्क करा जाता है और आपने काफ़ी लोगों की मदद की है, कैसा लग रहा है आपको, मतलब कितनी खुशी होती है? सर लोगों की मदद करने में अपनी खुशी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पक्ष है, तो ये पक्ष का एक ही लोगों की मदद करना, लोगों को सेवा करना, तो उसमें अपने पक्ष का भी नाम बड़ा होता है, और लोगों को जो भी प्रॉब्लम है तो रामदास जी आटोले साहब है, इनके माध्यम से हम लोग उनकी जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश करके हेल्प करते हैं उनको। आने वाले समय में भी आप इसी तरह के कैंप लगाओगे लोगों की सेवा के लिए? ज़रूर लगाएंगे, हमको जब भी मौका मिलेगा लोगों का कैंप का, और दूसरा भी कोई प्रॉब्लम रहता है जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट कचहरी का हो गया, उसमें भी हम हमारी पूरी टीम के साथ में जाके उनको हेल्प करते हैं। सुनील जी क्या कहना चाहते हो, आप भी आरपीएफ पार्टी से जुड़े हुए हो, इस तरह का जो आज इधर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया बाबर जी द्वारा, क्या कहना चाहते? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में और डॉक्टर रामनाथ जी आठवले साहब, उनके माध्यम से आज जो दीपक जी बाबर ने जो ब्लड कैंप रखा हुआ है, और इनके लिए, बाबर साहब के लिए हमारा फुल सपोर्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा 160-170 हम लोग ब्लड कैंप डोनेट करने का हम लोग का संभावना है। जय भीम, जय महाराष्ट्र।